बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएस बायोलॉजी पेपर। ये पेपर 24 मई 2023 को केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए कंडक्ट किया गया। ये 45 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए टाइम गिवन था 1 आवर। क्वेश्चन 1, which of the human diseases is transmitted from the vector Anopheles mosquito? Malaria. Malaria disease is transmitted from the vector Anopheles mosquito. Question 2 mein hai, who proposed the concept of a five kingdom system? फाइव किंगडम सिस्टम की कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज्ड किया? आर एच वाटकर ने। क्वेश्चन 3 में है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग टेक्सोनमिक इंफॉर्मेशन लॉजिकली इज नोन एज। इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी था। क्वेश्चन 4, अ स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल इज कॉल्ड। स्टेटमेंट जिसकी वैलिडिटी को सैम्पल की बेस पे टेस्ट किया जाता है, वो स्टेटमेंट स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। क्वेश्चन 5, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म में पानी का परसेंटेज होता है अबाउट 80%। करेक्ट ऑप्शन डी था। क्वेश्चन 6, एन ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स इज। सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 7 में है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 8 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिमर्स। एपिमर्स की एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। 9 में है, विच रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल रीजन। एंटीबॉडी के कौन से रीजन को वेरिएबल रीजन भी कहा जाता है? एफवी रीजन को। एफवी रीजन इज आल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल रीजन। 10 में है, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। क्वेश्चन 11 में है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट अंडरस्टूड ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ माइटोसिस। ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। 12 में है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। लेसिथेन। लेसिथेन इज अ फॉस्फोलिपिड। 13 में है, एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेस को इनपुट एनर्जी की जरूरत होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ऑप्शन डी। 14 में है, डीएनए एंड हिस्टोन्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें आता था।
15 में है एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की एग्जाम्पल्स हैं। 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ेस हैज़ बीन इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड। 17 द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स बाई बैक्टेरिया इज कॉल्ड। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना बाय बैक्टेरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ऑप्शन बी। 18 में है द फंगी विच ड्राइव देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज। वो फंगी जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उन्हें सेप्रोफेटिक कहा जाता है। 19 में है द मोस्ट कॉन्टीजियस फंगी डिजीज अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ 4 डिजीज दी हुई हैं, इनमें से मोस्ट कॉन्टीजियस फंगी डिजीज रिंग फॉर्म है। 20 में है नॉन वस्कुलर प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, नॉन वस्कुलर प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज नोन एज पोलिनेशन। ये था SS बायोलॉजी पेपर पार्ट 1। इस पेपर के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।